शुरू से इंग्लिश सीखने के लिए आप हमारे चैनल पर जाइए। आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट पर क्लिक कीजिए। प्ले लिस्ट ओपन होने के बाद वहाँ पर लिखा हुआ आएगा स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री। हर स्टेप में लगभग 25 वीडियोस हैं, तो आपको स्टेप वन से शुरू करना है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास। फ्रेंड्स, आज हम लोग गोइंग टू और अबाउट टू के बारे में चर्चा करेंगे। गोइंग टू, अबाउट टू, विल और विल बी, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो इन सब के इस्तेमाल में बार बार कन्फ्यूज़ होते रहते हैं। पूछते हैं कि सर, अबाउट टू और गोइंग टू, इन दोनों का इस्तेमाल कब होता है? विल और विल बी का इस्तेमाल कब होता है? ओके फ्रेंड्स, हालांकि वो जानते हैं बट कन्फ्यूज़ होते रहते हैं कि गोइंग टू का इस्तेमाल हम कब करते हैं, क्यों करते हैं, और अबाउट टू का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं। तो वही आज हम सीखेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। फ्रेंड्स, पहले तीन सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है अबाउट टू के बारे में। अबाउट टू या गोइंग टू, गोइंग टू और अबाउट टू दोनों का मतलब एक ही होता है कि ने वाला है, ने वाली है, ने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, जैसे वह जाने वाला है, मैं आने वाला हूँ, वे लोग खेलने वाले हैं, तुम खाने वाले हो, मतलब ये वाला वाली जो आता है वो अबाउट टू या गोइंग टू से बनता है। बट इन दोनों के इस्तेमाल में भी थोड़ा फ़र्क होता है। बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है बट थोड़ा सा फ़र्क है। ओके फ्रेंड्स, वो फ़र्क क्या है हम अभी समझते हैं। ये जो अबाउट टू का इस्तेमाल हम करते हैं, ये जो तीन सेंटेंस बनाया हमने, ही इज़ अबाउट टू प्ले अ मैच टूडे, या अबाउट टू जो होता है ये इन नियर टाइम, नियर टाइम का ये बोध कराता है, मतलब ये शो करता है कि पास में, मतलब ये शो करता है कि ये करीब है, जो भी हम काम करने वाले हैं वो समय नज़दीक है, बिल्कुल ही करीब है, या आज की बात है या अभी थोड़ी देर के बाद ही हम करेंगे, तो उसमें हम अबाउट टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम यहाँ पर ही इज़ अबाउट टू प्ले अ मैच टूडे, आज वह एक मैच खेलने वाला है। द ट्रेन इज़ अबाउट टू रीच, ट्रेन पहुँचने वाली है। आई एम अबाउट टू स्टे विद यू, मैं तुम्हारे साथ ठहरने वाला हूँ। इन तीनों सेंटेंस को हम गोइंग टू भी लगाकर बना सकते हैं। अबाउट टू की जगह पर हम गोइंग टू लगाकर भी बना सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके फ्रेंड्स, आई एम अबाउट टू प्ले अ मैच टूडे, आई एम गोइंग टू प्ले अ मैच टूडे, द ट्रेन इज अबाउट टू रीच, द ट्रेन इज गोइंग टू रीच। ओके फ्रेंड्स, आई एम अबाउट टू स्टे विथ यू, आई एम गोइंग टू स्टे विथ यू। इन तीनों को अगर हम अबाउट टू से बनाते हैं तो इसे हम गोइंग टू से भी बना सकते हैं। लेकिन ये तीन नीचे वाले आप सेंटेंस देखो, ज़रा ध्यान देना। आई एम गोइंग टू अपीयर एट द एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर, आई एम गोइंग टू अपीयर एट एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर, मैं अगले साल परीक्षा देने वाला हूँ या परीक्षा में बैठने वाला हूँ। ओके फ्रेंड्स, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं कि आई विल अपीयर एट एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर, एक ही मतलब हुआ। हम नेक्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं कि मैं नेक्स्ट ईयर परीक्षा देने वाला हूँ, तो इसको हम फ्यूचर से भी बना सकते हैं, शैल विल लगा कर भी बना सकते हैं कि आई विल अपीयर एट एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर, मैं नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम देने वाला हूँ। ओके फ्रेंड्स, आई विल बी अपीयरिंग एट एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर, मैं अगले साल परीक्षा दे रहा हूँगा। इसका मतलब है प्रेजेंट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का हो गया। तो ज़्यादातर लोग आजकल ऐसे भी इस्तेमाल करके बोलते हैं इसी सेंटेंस को। ओके फ्रेंड्स, आपको तीनों में से जो भी अच्छा लगता है, जो भी सहूलियत होती है, जिसको भी बोलने में आप बोल सकते हो, बट इसे हम तीन तरीके से बोल सकते हैं, लेकिन तीनों का अर्थ एक ही होता है, कोई भी अंतर नहीं है। ओके फ्रेंड्स, या तो आप आई एम गोइंग टू अपीयर एट एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर, मैं नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम देने वाला हूँ, या आई विल अपीयर एट एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर, मैं नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम दूंगा, या आई विल बी अपीयरिंग एट एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर, या मैं नेक्स्ट ईयर परीक्षा दे रहा हूँगा, तीनों का मतलब एक ही हो गया। बट क्या है कि इन तीनों को हम अबाउट टू लगा कर नहीं बना सकते हैं। मीन्स
जिस सेंटेंस को हम अबाउट टू से बना सकते हैं उसे हम गोइंग टू लगाकर बना सकते हैं, बट हर गोइंग टू वाला सेंटेंस जो होगा वो अबाउट टू से नहीं बनेगा। जैसे कि ये गोइंग टू वाला है और नेक्स्ट ईयर की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम अबाउट टू नहीं लगा सकते हैं बल्कि गोइंग टू, ओनली गोइंग टू ही लगेगा। यहाँ पर हम गोइंग टू लगा कर बनाए हैं इस सेंटेंस को कि गोइंग टू अपीयर एट एग्जाम नेक्स्ट ईयर, तो नेक्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम अबाउट टू लगा कर नहीं बना सकते, क्योंकि अबाउट टू का मतलब ही होता है कि इन नियर टाइम, यानी कि पास आने वाले नज़दीक वाले टाइम की बात हम करते हैं। या तो अभी की बात करेंगे, घंटे दो घंटे की बाद की बात करेंगे, या हम शाम की बात करेंगे, या तो हम कल की बात करेंगे, या हम आज की बात करेंगे, लेकिन नज़दीक जो है उसको आने वाले जो ज़्यादा करीब है उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो अबाउट टू का इस्तेमाल करते हैं और गोइंग टू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट अगर हम नेक्स्ट ईयर यानी काफ़ी थोड़ा दूर समय की बात कर रहे हैं, हम थोड़ा लंबे समय की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम गोइंग टू का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम अबाउट टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ओके फ्रेंड्स, और जिसको भी हम गोइंग टू से भी बना रहे हैं उसको हम विल से भी बना सकते हैं, विल बी से भी बना सकते हैं। आजकल काफ़ी इस्तेमाल होता है इन दोनों तरह के सेंटेंसेज का, आई विल अपीयर एट द एग्जाम नेक्स्ट ईयर, आई विल बी अपियरिंग एट द एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आज गोइंग टू, अबाउट टू, विल और विल बी का कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा आपको, कि हम अबाउट टू क्यों लिखते हैं और गोइंग टू क्यों लिखते हैं। अबाउट टू को हम गोइंग टू से भी बना सकते हैं, बट हम गोइंग टू वाला जो अगर ऐसा सेंटेंस हो, लंबे समय की बात की जा रही हो उसमें, तो वहाँ पर हम अबाउट टू नहीं लगाएंगे। ओके फ्रेंड्स, सो उम्मीद करता हूँ कि आज का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपके दिमाग में और समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे पढ़ाने से, हमारे क्लास से कुछ थोड़ा बहुत भी फायदा होता है, तो आप वीडियो को लाइक किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए, और वीडियो को वैसे लोगों तक शेयर भी किया कीजिए जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद।